खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। आज सोमवार है, आज के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है, पूजा का विधि विधान क्या है, भगवान को आप खुश कैसे कर सकते हैं, राशियों पर क्या प्रभाव होगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप क्या करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, अगर कुंडली में मंगल दोष है तो क्या करें, इसके अलावा आज का दिन कितना खास है, ये सब कुछ हम जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम पंचांग की करेंगे। बिल्कुल, आज बात करते हैं पंचांग की। पंचांग क्या कहता है, साथ साथ पंचांग के पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनका जो है दिवस नज़दीक आ रहा है, जन्मदिवस, इसलिए पहले उनका आह्वान करते हैं कि भगवान आप इस कार्यक्रम में विराजमान हों। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतप क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु को प्रणाम करते हुए, उनका आह्वान करते हुए अब हम बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। पंचांग के साथ साथ आज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आज रवि योग है। रवि योग हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है, जिसका समय सुबह 5:48 से लेकर के 10:06 तक का है। आज गंडमूल भी है, गंडमूल रात को 10:06 तक रहने वाला है। आज विजय मुहूर्त है, जो कि दोपहर में 2:39 से प्रारंभ होगा और 3:32 तक रहेगा। आज जो है संबत 2077 साके 1942 भगवान सूर्य दक्षिणायन है। तदनुसार आज 10 अगस्त 2020 दिन सोमवार भगवान शिव का दिन है। वर्षा ऋतु चल रही है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष इस समय चल रहा है। आज षष्ठी तिथि यानी छठी तिथि सुबह 6:42 तक थी, इसके बाद सप्तमी प्रारंभ हो गई है। अश्विनी नक्षत्र रात को 10:06 तक है, इसके बाद भरणी प्रारंभ होगा। सूर्य योग 7:44 तक, इसके बाद गंड योग प्रारंभ हो जाएगा। और बढ़ीकरण सुबह 6:42 तक, इसके बाद बिष्टि यानी भद्राकरण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रदेव इस समय जो है मेष राशि में विराजमान है और भगवान सूर्य कर्क राशि में 26° पर चल रहे हैं। उनका नक्षत्र अश्लेषा है। आज का सूर्योदय 5:49, आज का सूर्यास्त शाम को 7:05 पर है। आज का राहुकाल सुबह 7:27 प्रारंभ होता है और 9:07 तक का रहता है, जिसमें अशुभ माना जाता है, विशेष कार्य नहीं किया जाता। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो 11:30 पर प्रारंभ होता है और 12:10 तक रहेगा, जो कि प्रत्येक कार्य के लिए तत्कालीन मुहूर्त होता है। आज का दिशासूर पश्चिम दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें, अगर करना पड़ रहा है तो उसके लिए कुछ समाधान होते हैं, जैसे कि पान पर चूने लगा करके और ये खा करके यात्रा आप कर सकते हैं। जी जी, तो ये आपको आचार्य जी बता रहे हैं आज का पंचांग और परिहर भी, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे राशियों के हिसाब से कि आखिर राशियों के हिसाब से आज उनका दिन कैसा चलने वाला है। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जी बिल्कुल, मेष राशि आज कहती है कि आप शत्रुओं का भय आपके लिए बना रहेगा, अधूरे काम आपके संपन्न होने वाले हैं, कोई शुभ सूचना मन को प्रसन्न कर देगी। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 2, उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ करें। क्या ना करें, किसी जानवर को चोट गलती से भी ना पहुंचाएं। बात करते हैं हम अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आज आपको कम मेहनत में ज्यादा फल मिलने वाला है। आज कुछ नए रिश्ते भी आप बनाएंगे, ये वो रिश्ते होंगे जो लंबे समय तक आपका साथ देंगे। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक 8, उपाय के रूप में छोटे बच्चों को फल का वितरण करें यानी फल बांटें। क्या ना करें, आज दो लोगों के विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए व्यापार में लगाने का दिन है और व्यापार नए उद्योग में बढ़ने का दिन है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले में लाभ मिलने की पूरी संभावना है। स्वयं पर विश्वास रख के ही काम करें, आपको काम अच्छा संपन्न होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 1, उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के निकट बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करें, जो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। क्या ना करें, आज किसी के निंदा में बिल्कुल न पड़े। बात करते हैं हम अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज किसी खास मित्र की तरफ से आपको विश्वासघात मिल सकता है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
इसलिए मित्रों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सचेत और सावधान रहना है। अपने मन की कोई बात राजबात नहीं बताना है। शुभ रंग आसमानी भाग्यांक 5 उपाय के रूप में आज पिताजी को प्रणाम करके घर से निकले दिन की शुरुआत करें, आपका काम बनेगा। क्या ना करें, आज मित्रों से मुंह न छुपाएं। बिल्कुल, तो ये आपको आचार्य जी राशि बता रहे हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के बीच हम मंगल दोष को लेकर भी बातचीत कर रहे थे आचार्य जी कि अगर कुंडली में मंगल दोष हो, हम परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और हमारा दिन भी ठीक ठाक नहीं चलता है, हमारी नौकरी में भी बाधा आती है, कई सारे ऐसे काम है जिनमें बाधा को लेकर कई सारी ऐसी बातें होती है जो कि चर्चा ऐसी है कि इसमें विवाह से संबंधित विशेष रूप से अगर मंगल लग्न में बैठा हो, क्या होता है कि अगर मंगल लग्न में बैठा है, चंद्रमा के संयोग में है, तो व्यक्ति क्रोधी भी होता है, स्वभाव से इसको गुस्सा बार बार आता है और क्रोध के कारण क्या होता है कि उसके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। जो उसके नज़दीकी लोग होते हैं, बहुत खास लोग होते हैं, वो कई बार दूर हो जाते हैं, ऐसा भी मंगल करता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि अगर जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश, यानी जो जन्म कुंडली बनी होती है, चक्र बना होता है, चक्र में सबसे ऊपर वाले खाने में अगर मंगल बैठा है, चौथे भाव में मंगल बैठा है, सप्तम अष्टम द्वादश में मंगल बैठा है, तो उस कुंडली को मांगलिक मान लिया जाता है। ये अक्सर समाज में देखा जा रहा है और काफ़ी ज्योतिषी इसको देखते भी हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या इसी कंडीशन में मंगल होने से कुंडली मांगलिक बन जाती है? तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर होता है कि 80% कुंडलियाँ मांगलिक नहीं होती हैं, नॉन मांगलिक होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उस पर कंप्यूटर के माध्यम से देखा और जो कुछ अनभिज्ञ ज्योतिषी होते हैं उनके माध्यम से भी लोग कह देते हैं नहीं मांगलिक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मंगल बैठने से मांगलिक कुंडली नहीं होती, निर्भर करता है कि मंगल किस कैटेगरी का है, किस कंडीशन में बैठा हुआ है, अंश का बल है या नहीं है, आंशिक कमजोर है। तो अगर कमजोर मंगल होगा, सूर्य के साथ मंगल बैठा होगा, तो वहाँ मंगल अस्त हो जाएगा और अस्त मंगल कभी मांगलिक कुंडली नहीं बनाता। बेशक इन्हीं भावों में बैठा हो, 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में कुंडली में मंगल बैठा हो, लेकिन अगर मंगल अस्त है, शत्रु क्षेत्रीय है, या फिर ऐसा मंगल है कि जो है शत्रु राहु की दृष्टि में है, केतु की दृष्टि में है, शनि के संयोग में है, तो वहाँ पर मंगल कुंडली मांगलिक नहीं बनाएगा। ये भी होता है। साथ साथ ये भी आपको देखना चाहिए कि मंगल अगर अपनी राशि का है, जैसे कि किसी की मेष लगन है, यानी एक नंबर लगन ऊपर की है, मेष लगन मंगल का स्वयं घर होता है, यानी मेष का स्वामी है। किसी का मंगल जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक मंगल बैठा हुआ है, लगन में बैठा हो या चौथे भाव में, सातवें आठवें अपने इसी भाव में बैठा हो, अगर मेष का मंगल है, वृश्चिक का मंगल है, या फिर मंगल मकर राशि का बैठा हुआ है, क्या होता है, मेष का मंगल उसका खुद का ग्रह है, तो कोई भी ग्रह अपने घर को बिगाड़ता नहीं है, इसीलिए मेष का मंगल कुंडली को मांगलिक नहीं बनाता। अगर वृश्चिक का मंगल है तो वो भी उसकी खुद की राशि है, इसलिए वृश्चिक का मंगल भी अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा, यानी मांगलिक नहीं बनाएगा। अगर मकर का मंगल है, यानी 10 नंबर राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो वहाँ पर मंगल उच्च हो जाता है। अब उच्च कैटेगरी में मंगल बैठा हुआ कभी भी अपनी कुंडली को नहीं बिगाड़ेगा, यानी नॉन मांगलिक कुंडली होती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी भी है और ध्यान देना है कि लगभग 80% कुंडलियाँ मांगलिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अनभिज्ञ लोगों की वजह से उसको मांगलिक बना दिया जाता है। तो सावधान रहें, इस पर ध्यान दें, बाकी बताएंगे इसके उपाय के बारे में। जी, तो उपाय भी आपको आचार्य जी बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप क्या करें और किन बातों का आप खास तौर पर ख्याल रखें। चलिए अब राशियों में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी बात करते हैं सिंह राशि की। बिल्कुल, सिंह राशि आपके लिए कुछ नया लेके आई है। कहती है कि संतान के व्यवहार से आप चिंतित हो सकते हैं, कानूनी मामलों में भी आप फंस सकते हैं, इसका पूरा ध्यान रखें, ध्यान बहुत जरूरी है। रिश्तों के बीच कड़वाहट पैदा न होने दें। शुभ रंग स्लेटी भाग्यांक 9 उपाय के रूप में तुलसी के पौधे का दान करें। क्या ना करें, आज रात्रि में तामसी भोजन बिल्कुल ना करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि आज नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है, यानी प्रमोशन मिल सकता है आपको, आप कोई नया काम भी प्राप्त कर सकते हैं, धैर्य से किए गए कामों में आपको सफलता निश्चित हासिल होगी। शुभ रंग हल्का नीला भाग्यांक 7 उपाय के रूप में श्री रामचरितमानस के 5 दोहे का पाठ आप जरूर करें। क्या ना करें, आज छोटे भाई को नाराज ना करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, तुला राशि। तुला राशि कहती है कि आज आपको कई दिनों से जो भी कामकाज की दिक्कत महसूस हो रही थी वो आज ठीक हो जाएगी, आज को आपको राहत भी मिलेगी और आज आपका दिन बढ़िया बीतने वाला है। शुभ रंग पीला भाग्यांक 4 उपाय के रूप में ओम ऐं नमः का 108 बार मंत्र का जप करें। क्या ना करें, आज इमोशनली किसी को परेशान
बिल्कुल ना करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आज आपके किसी भी कार्य में कोई अड़चन बिल्कुल नहीं आएगी। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। व्यवसायिक प्रयास आपका फलीभूत होने वाला है। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में एक मंत्र है, इस मंत्र को आप जरूर जपें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्या ना करें, आज रात्रि में किसी पेड़ पौधे की पत्ती किसी भी प्रयोग के लिए बिल्कुल न तोड़े। तो ये राशियों के हिसाब से आपको आचार्य जी बता रहे। आचार्य जी, इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ गई हैं, दीपिका मध्य प्रदेश से। दीपिका, अपना सवाल पूछिए। जी बताइए दीपिका जी। अभी हम लोग रीवा में हैं, तो मेरे पति यहाँ गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल हॉस्पिटल में जी। अपना डेट ऑफ बर्थ, भोपाल जाने की चांसेस है और बड़ी नौकरी मिलने के चांसेस है क्या? बेटा सबसे पहले अपनी डिटेल बताएं मुझे। दीपिका खातर का नाम है और मेरे पति का दीपक खातर का। बेटा आपका डेट ऑफ बर्थ? पति का जी 22 नवंबर और दिन का समय 1:15 बजे। 22 नवंबर। सन कौन सा बेटा जी? सन कौन सा है? सन 1986। 1986। टाइम क्या बताया आपने? 1:15 बजे दिन का। 1:15 बजे दिन का। जन्म स्थान? भोपाल। क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? मेरा प्रश्न है कि मेरे पति अभी मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी। तो क्या बड़ी नौकरी, इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है और भोपाल ट्रांसफर हो सकता है कि अभी रीवा में है? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया उसके अनुसार उत्तर यह है कि आपका सप्तम भाव पति का होता है, तो सप्तम भाव से अगर देखा जाए तो आपके सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और 5 अंश में हैं। तो अभी जहां वो भी नौकरी कर रहे हैं बिनको वहीं करने दीजिए। अभी तत्काल कोई ऐसा ट्रांसफर का या प्रमोशन का योग ऐसा नहीं आ रहा है। अब अभी आपको थोड़ा सा उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि केतु की महादशा में बुध चल रहे हैं। बुध आपके भाग्य स्थान बैठे हुए हैं और बुध की जो कंडीशन है वो लगभग मध्यम श्रेणी में, तो अभी जहाँ चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। थोड़ा सा बुध के लिए गणेश जी को पूजें और गणेश जी का कुछ जो है मंत्र जप करें, जैसे ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप अपने पति के उद्देश्य करें। तो ऐसा करने से थोड़ा सा आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मैं तत्कालीन में कोई नया निर्णय लेने के लिए आपको नहीं कहूँगा जी। इस बीच हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी, सुरेश हैं सूरत से। सुरेश अपना सवाल पूछिए। जी सर प्रणाम जी, सुभ आशीर्वाद बताइए। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 76। 18 जून 76। जन्म का समय? 8:15 सुबह, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान का जन्म है, सुबह 8:15 का जन्म आपका है। क्या प्रश्न करना चाहते हैं सुरेश जी? लाइफ में आर्थिक प्रोग्रेस कब होगी और मुझे कौन सा स्टोन वगैरह सूट करेगा या पहनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए मैं बताता हूँ, आपका द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है और लग्नेश आपकी चंद्रमा है। सूर्य आपका व्यय भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में। तो आपको अगर रत्न में बताऊँ तो आपको माणिक धारण करना चाहिए 7 रत्ती के आसपास, और दिन रविवार का हो, सुबह का समय हो, उसमें पूजा करके और जो है माणिक धारण करें, साथ साथ सूर्य भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। और आपका जो प्रश्न था कि आपको किस समय आपको क्या ऐसा कुछ मिलने वाला है, तो आपको मैं बताऊं, भी बुध की महादशा है, शुक्र का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा आपको आलस्य भी आएगा अपने कामों में। तो अपने आपको सुधार संभालें और एक्टिवेट करें, हर काम में थोड़ा सा एक्टिव रखें, तो आप जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर पाएंगे जी। कर्क लग्न है तो माणिक पहन सकते हैं क्या? नहीं, कर्क लग्न आपकी तो है, लेकिन कर्क लग्न में मोती पहना जाता है, लेकिन आप चंद्रमा आपका ठीक है अष्टम भाव में, अगर आप मोती पहनेंगे तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखें अपना स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए माणिक पहने, माणिक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं, आपके मन में जो भी सवाल है ऊपर दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें और पूछें आपके मन में जो भी सवाल है। अगर आपकी कुंडली में दोष है तो उससे जुड़ा समाधान भी आपको आचार्य जी बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप क्या करें, और इसके साथ ही अगर आपके मन में जो भी सवाल है आप कॉल करें और आचार्य जी से भी पूछें। आचार्य जी अब बात करेंगे राशियों की, राशियों के हिसाब से धनु राशि के दिन आज क्या होने वाला है, धनु राशि वालों का जो दिन है आज कैसा जाएगा? बिल्कुल, आज का जो राशिफल है धनु राशि में, वो कहते हैं कि आज छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाह फैलाने में
जो है अधीर रहेंगे और कई दिनों से आपके जो अधूरे काम हैं लटके हुए वो पूरे होने वाले हैं। जरूरतमंद के लिए कुछ आप संभव प्रयास कीजिए जिससे उनकी कुछ कामना पूरी हो सके और आप कुछ मदद कर सकें। शुभ रंग जामुनी भाग्यांक 8 उपाय के रूप में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्या ना करें, आज किसी भिक्षुक का यानी भिखारी का अपमान बिल्कुल ना करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आपकी व्यापार से संबंधित सभी योजनाएं सरलता से पूरी हो जाएंगी और आपको पारिवारिक जीवन में शांति का वातावरण भी बना रहेगा। यात्रा में सावधानी बरतें। शुभ रंग हरा। भाग्यांक 4 उपाय के रूप में श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, पूजा के बाद आसन को प्रणाम करना बिल्कुल न भूलें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज भाग्य से अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेन देन में सावधानी बरतें, कम बोलकर वाद विवाद या मनमुटाव को बचाएं यानी उससे दूर करें। नौकरी में आपके उच्च पदाधिकारी आपसे खुश होंगे। शुभ रंग हल्का पीला। भाग्यांक 2 उपाय के रूप में दुर्गा जी को लौंग का जोड़ा और जायफल चढ़ाएं। क्या ना करें, आज उत्तर दिशा में स्थिर करके बिल्कुल न सोएं। हम बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। आज मीन राशि कहती है कि आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, कार्य क्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। शुभ रंग हल्का काला। भाग्यांक 8 उपाय के रूप में लक्ष्मी जी के सामने स्त्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या ना करें, आज अनायास बातें किसी से बिल्कुल न बोलें। जी आचार्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नाची नारायण, काफी दूर से, अंडमान निकोबार से। क्या बात? नारायण, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। हाँ, शुभ आशीर्वाद बताइए। मैं अभी 12वीं की कक्षा पढ़कर अभी पास हुआ हूँ जी, तो मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी जो बर्थ डिटेल है वो मुझे बताएं। 15 अगस्त 2002। और दिन बृहस्पतिवार है बेटा, और जन्म का समय? शाम के 4 बजे नाम आपका। और जन्म स्थान बेटा? अंडमानी है जी, पोर्ट ब्लेयर। ओके, तो आपका प्रश्न है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा? अभी आप 12वीं क्लास की परीक्षा दिए हैं, चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, थोड़ा सा अभी आपको सावधान रहने की वर्तमान में जरूरत है, कि यानी आपको मन में जिद या गुस्सा जल्दी आएगा, तो ये थोड़ा सा सावधानी भी है। आपकी जन्म की राशि तुला है, लग्न आपका धनु है, लग्नेश आपके बृहस्पति हैं, सूर्य मंगल के साथ और बृहस्पति उच्च होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सावधानी भी देता हूँ और अब एक खुशखबरी भी देता हूँ कि आपका समय आने वाले भविष्य में अच्छा रहेगा। आप पढ़ाई में मन लगाएं, खूब मन लगाएं, माता पिता कहना माने और सुबह उठ करके माता पिता के चरण कमलों का प्रणाम करें, क्योंकि आपका कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। साथ साथ आपका कर्मिक क्षेत्र का मालिक बुध है, वो आपके भाग्य में बैठा हुआ है और अपनी मित्र राशि में बैठा है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई में विद्या में मन लगाएं, उसमें कोई बिल्कुल लापरवाही न करें। वर्तमान में आपको थोड़ा आलस्य आ सकता है तो उसे बचना चाहिए आपको, यही आपके जो कुंडली का जो शॉर्ट में भविष्यफल है वो यही है बेटा। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गिरीश गजरौला से जुड़ गए हैं। गिरीश, अपना सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/10/55 जी, 25/10/55 जी बताइए। जन्म का समय? समय सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे का जन्म है आपका। जो जन्म हुआ है वो मंगलवार को हुआ है? मंगलवार में जी। अच्छा, जन्म स्थान आपका? गजरौला। क्या प्रश्न कर रहे हैं गिरीश जी? प्रश्न ये है, मेरे पैसे फंसे हुए हैं और एक मुकदमा चल गया, उसमें दो चीजों में जानकारी चाहता हूँ मैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी जन्म कुंडली है वो वृश्चिक लग्न कुंडली है और जो आपकी जन्म राशि है वो मकर है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी कुछ विवादों का सामना आपको वैसे भी करना पड़ेगा और ये तत्काल निर्णय लेने वाला अभी कोई नहीं है। अभी लगभग लगभग आपका ये समय जो केस आपके चल रहे हैं वो लंबा खींच सकता है, क्योंकि अभी जो शनिदेव हैं, शनिदेव अभी जन्म के तो आपके मकर राशि में बैठे हुए हैं और वर्तमान में गोचर में भी मकर राशि में बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि तृतीय आपके पंचम भाव में आ रहे, सप्तम दृष्टि आके भाग में भाग को थोड़ा दोष दे रही है और वो भी वक्र दृष्टि है, तो इसलिए समय आपका थोड़ा लंबा खींचने वाला है। आपको समाधान या उपाय के लिए
हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। 11 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ आप स्वयं करें। ध्यान रखें, नियम कुछ होते हैं, आसन लेके जरूर पाठ करना है और सामने जल तुलसी का पत्ता लेकर पाठ करें। ऐसा करने से आपके जो एक विवादित चीजें चल रही हैं उसमें लाभ मिलेगा। साथ साथ बंगलामुखी देवी की पूजा जरूर करें, पीताम्बरा देवी कहते हैं, तो इनकी पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, आज के दिन जितने भी जातक जन्मे हैं उनका दिन कैसा होने वाला, उनका वर्ष कैसा होने वाला है? बिल्कुल, जिनका जन्म आज के दिन हुआ है इनका वर्ष जो है बहुत अच्छा रहने वाला। सबसे पहले तो आप सभी को आज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज इनका जन्म हुआ, उनका मूलांक एक होता है और मूलांक एक के स्वामी भगवान सूर्य हैं और सूर्य के द्वारा ही आपका समय संचालित होता है, तो आपको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप एक आशावादी होते हैं और हर तरह से प्रभावित होते हुए और जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके मन के अंदर आत्मविश्वास बड़ा अच्छा होता है और सहज ही हर कामों में, हर महफिल में आप छा जाते हैं। शुभ दिनांक 1, 10, 19 और 28। शुभ अंक आपके लिए 1, 10, 19, 28, 37 और 46। शुभ वर्ष आपके लिए 2026, 2029, 2032, 2037। आपकी इष्ट देव भगवान सूर्य और माँ गायत्री हैं जिनके माध्यम से आप अपना काम बना सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल, केसरिया और क्रीम कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। आपके अधूरे काम जो लटके हुए थे, रुके हुए थे, उनकी पूर्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम है। पारिवारिक मामले आपके बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और क्रियान्वित होंगे। जो अविवाहित लोग हैं जिनका विवाह रुका हुआ है या नहीं हो रहा है, उनके लिए रिश्ते आएंगे, विवाह उनका हो सकता है। नौकरी के योग भी बनेंगे, पदोन्नति के भी योग बनने वाले हैं और जो भी आपके जीवन में आपकी कामनाएं वो भी सिद्ध होंगी। जी आचार्य जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल, जन्माष्टमी क्योंकि नजदीक है तो लोगों के मन में ये सवाल है आखिर जन्माष्टमी है कब, 12 को है या 13 को है, तो बता दें। हाँ बिल्कुल, जन्माष्टमी जो है तो नक्षत्रों के अनुसार साथ साथ आपको जानना चाहिए कि जो स्मार्त और वैष्णव ये दो परंपराएं हैं, दो संप्रदाय हैं, तो जो वैष्णव संप्रदाय है यानी भगवान विष्णु के उपासक नारायण को मानने वाले, इन लोगों की जन्माष्टमी का जो व्रत होगा यानी पूजन होगा वो 12 तारीख को होगा, क्योंकि 12 तारीख को दिन बुधवार है, वार का बहुत बड़ा महत्व पड़ता है और यहाँ पर नक्षत्र का भी संयोग रात्रि के मध्य रात्रि में 12 बजे आ रहा है। इसलिए जन्माष्टमी 11 को ना मना करके 12 को मनाएं। जो स्मार्त लोग हैं, स्मार्ती लोग हैं, उनको 11 को मनाना चाहिए। भगवान का जन्म जो हुआ है वो 11 को मतलब लोग मना रहे हैं, कभी तीर्थों में मनाया भी जा रहा है, लेकिन आप लोगों को 12 को ही मनाना चाहिए क्योंकि आपका जो जीवन है वो वैष्णव जीवन है, नारायण के आप उपासक हैं इसलिए। तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं आखिर जन्माष्टमी कब है और ये भी आपको आचार्य जी ने बताया कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो क्या करें। इसके अलावा लगातार हमने राशियों को लेकर भी बातचीत की। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ भाग्य चक्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।